स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के रूल्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं, और रूल्स के साथ साथ मैंने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट भी आपको बता दिया था। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है आपको, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, और आपको बता दिया जर्नल एंट्री के लिए सबसे मेन चीज़ है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या चीज़ होता है और क्रेडिट क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। आज का भी वीडियो में डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जनरल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डीके गोयल बुक, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन है डीके गोयल बुक का, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। 2017 है मार्च फर्स्ट, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू हरी। तो सारे ट्रांजेक्शन है, सारे ट्रांजेक्शन आपको देखने हैं। ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है ना, वेजेस पेड और बाउट मशीनरी फॉर कैश तक है। तो सारे ट्रांजेक्शन को किस तरह से वन बाई वन एक एक ट्रांजेक्शन को मैं आपको समझाता चलूंगा डीपली, ठीक है ना, ताकि आपको हर ट्रांजेक्शन को समझ में आता चला जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, मनोहर लाल सन्स स्टार्टेड विद कैश। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो बिजनेस में चाहे कैश होता है तो कैश को डेबिट करेंगे और वो कैश कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैपिटल में, तो उस कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो पहले एंट्री जो है, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबसे पहले डेट डाल दीजिए 2017 मार्च फर्स्ट, मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट की एंट्री ध्यान में रखिएगा, हमेशा जिससे भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, चाहे कैश हो चाहे एसेट्स हो, यहाँ पर कैश से स्टार्ट कर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 60,000, राइट, 60,000 इसका अमाउंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा है, इसका नरेशन लिखना जरूरी होता है, नरेशन लिखेंगे Being business started with cash, ठीक है ना, और एक अंडरलाइन कर देंगे, हमारा पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर जो टू है वो कब हो रहा है, मार्च सेकेंड को, मार्च सेकेंड को है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा गया है। जब कोई एसेट्स खरीदा जाता है, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर जो है हमारा रियल अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट में तो कुछ आता है, इंक्रीज होता है, तो वो डेबिट, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो फर्नीचर को डेबिट, बदले में क्या जा रहा है हमारा, हमसे कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स एंट्री क्या होगा, सिंपल एंट्री है, फर्नीचर मशीनरी कोई भी एसेट खरीदा जाता है उसका नाम से फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश है तो टू कैश, कुछ भी खरीदा जाता है अगर कैश से खरीदा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश हमारे पास से जाता है। दैट अमाउंट डाल दीजिए दोनों साइड में 10,000, 10,000, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे विंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गई। अब ट्रांजैक्शन नंबर थ्री मार्च फोर को हो रहा है, मार्च फोर, इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स, तो यहाँ पर जो गुड्स के लिए हम वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो किसका इस्तेमाल करेंगे कि परचेज किया जा रहा है, परचेज अकाउंट, परचेज हमेशा डेबिट होता है और बदले में कैश दिया जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, तो कैश परचेज किया जा रहा है तो कैश परचेज करने की एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 25,000, ठीक है ना। नरेशन लिख दीजिए विंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गई एंट्री। उसके बाद है मार्च फाइव,
मार्च 5 को कहा जा रहा है बाउड गुड्स फ्रॉम कमलेश। बाउड मतलब परचेज किया जा रहा है, तो परचेज गुड्स है, तो डेबिट किससे खरीदा जा रहा है, कमलेश कैश नहीं दिया जा रहा है, तो कमलेश को हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। खरीदा गया है गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, तो नरेशन एंट्री कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अमाउंट है 15,000 टू कमलेश अकाउंट 15,000। नरेशन क्या लिखेंगे, विंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश, मीन्स उधार में खरीदा गया, तो उधार में नाम आता है। फिर है मार्च 5 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 6। अब कहा जा रहा है मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड किया गया, सोल्ड मीन्स सोल्ड गुड्स है, जब भी सोल्ड गुड्स हो जाएगा तो इसके लिए अकाउंट खोला जाता है सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट के बारे में बता दूं, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और कैश की बात कर रहा है तो सेल करने से पैसा आता है, पैसा अगर आता है तो कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो नरेशन एंट्री करेंगे हम, यहाँ पर सेल किया जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट है यहाँ पर 36,000, नरेशन लिख दीजिए, विंग गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 8, सोल्ड गुड्स टू हरी, यहां पर भी सोल्ड किया जा रहा है, तो हरी को सोल्ड किया जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कैश आ नहीं रहा है तो कैश की जगह कौन आ जाएगा, यहां पर हरी को बेचा जा रहा है, तो हरी को डेबिट कर देंगे, यानी कि हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री है आपकी मार्च 8, हरी को बेचा जा रहा है, तो हरी अकाउंट डेबिट बेचा जा रहा है कि सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। ये अमाउंट हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। नेशन लिखेंगे, विंग गुड सोल टू हरी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है मार्च 10, मार्च 10 को कहा जा रहा है कि पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को कैश पे किया गया, तो कमलेश को पे किया गया यानी कि कमलेश रिसीवर हुआ, किसी के नेम को रिसीव होता है तो वह हमसे डेबिट होता है, बदले में क्या दिया गया, कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश चला जा रहा है, तो कमलेश डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे यहां पर हम, कमलेश अकाउंट डेबिट, कमलेश से परचेज किया था इसलिए इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना पेमेंट कर रहे हैं कमलेश को, 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000, ठीक है ना। नरेशन लिख दीजिए, नरेशन इज बीइंग कैश पेड टू कमलेश, ठीक है, कमलेश को कैश पे किया। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 14, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से पैसा रिसीव हुआ, ठीक है ना, हरी से पैसा यानी कि कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ तो कैश को डेबिट कर देंगे, किसने दिया, हरी ने दिया, तो हरी को क्रेडिट करेंगे, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। जब भी पैसा आता है तो डेबिट कर दीजिए कैश को, कैश अकाउंट डेबिट, और कितना रिसीव हुआ, 18,000, ठीक है ना, टू हरी अकाउंट 18,000, ठीक है। तो नरेशन लिख देंगे अब, विंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला है। नेक्स्ट है मार्च 16, ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से परचेज किया, परचेज करने की एंट्री मैंने बताया था, जब इसका नेम आता है कैशवर्ड नहीं होता है, दैट इज
उधारी है, क्रेडिट है, तो परचेज किया गया है, गुड्स है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितने का परचेज किया गया है? 6000 टू परचेज किया गया किससे? सोहन से, टू सोहन अकाउंट, ठीक है। तो एंड नेशन लिख दीजिए, विंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक मार्च 16 का, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मार्च 16 के बाद है मार्च 18। मार्च 18 को कहा जा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब सोहन से कैश में परचेज किया जा रहा है, यानी कि परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया गया है? 8000। बदले में पैसा दे दिया जा रहा है तो सोहन से मतलब नहीं है क्योंकि पैसा चला जा रहा है, तो कैश अकाउंट 8000, ठीक है ना। तो नेशन लिखेंगे, वेइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कंप्लीट। फिर है मार्च 20 की एंट्री। मार्च 20 बाद पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए रेंट पे किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, रेंट इज एन एक्सपेंसेस। रेंट क्या है? एक एक्सपेंसेस है। जब रेंट एक एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट हो गया तो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। कितने का रेंट पे किया गया? 1000। टू रेंट कैश पेड होता है तो टू कैश अकाउंट 1000। नरेशन लिखेंगे, सिंपल नरेशन, विंग रेंट पेड, बस इतना लिखने से कंप्लीट हो जाता है। फिर है मार्च 26। क्या हुआ? रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है। तो कमीशन रिसीव होना एक तरीका इनकम है, और इनकम क्रेडिट होता है तो कमीशन के रूप में क्या आता है? कैश आता है। एक्सपेंसेस के लिए कैश क्रेडिट होता है और इनकम में कैश डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, द अमाउंट इज 750 रुपीज, ठीक है ना। नरेशन लिख दीजिए, वेइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। फिर है मार्च 27, कहा जा रहा है सैलरी पेड, सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी, सैलरी चाहे किसी को क्यों दिया जाए, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम सैलरी को डेबिट कर देंगे, यहां पर कोई भी खर्चा होता है डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। बदले में क्या दिया जा रहा है? कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 1200, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे, वेइंग सैलरी पेड टू, यहां पर उसका नाम लिख दीजिए गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला, ठीक है ना। ये है मार्च 28, हरी से पैसा मिला यानी कि कैश आया है तो कैश को डेबिट कर दिया। किसने दिया है? हरी ने दिया, तो हरी को क्रेडिट कर दिया और अमाउंट है यहाँ पर 12000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, विंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला है, ठीक है। अब इसके आगे की एंट्री करेंगे, नेक्स्ट 28 के बाद 29 में कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब विड्रॉ किया गया, ध्यान में रखना, यहां पर विड्रॉ किया गया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है अपने घर के काम के लिए, जब पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ किया जाता है ऑफिस से, तो उसके लिए नया अकाउंट खोला जाता है, एक ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है ना।
ड्राइंग अकाउंट को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आहरण खाता, ठीक है ना। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो ड्राइंग अकाउंट खोला जाता है, ड्राइंग अकाउंट तब क्या हो जाता है, डेबिट, क्योंकि एक तरीके का ये खर्चा है। तो यहाँ पर ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, टू क्या निकाला गया है, कैश, टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट हो गया कितना, 4000। तो 4000 लिख दिया, तो एंट्री कर देंगे विंग विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री है डेट 30 की, कैश पेड और मशीन, ठीक है ना, वेजेस पेड किया गया है, तो वेजेस भी खर्चा है। तो बेजेस अकाउंट डेबिट दैट अमाउंट इज 7200 टू कैश अकाउंट, 7200 बेजेस पेड कर दिया गया। और इसकी एंट्री कर देंगे विंग बेजेस पेड, इसी डेट को जो है मशीन खरीदा गया है, बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीन इज एन एसेट्स, मशीन एक एसेट्स है, सो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि परचेस किया जा रहा है। तो मशीन अकाउंट डेबिट 8000, कैश खरीदा गया है तो कैश अकाउंट 8000, ठीक है ना। नरेशन क्या लिखेंगे, विंग बाउट मशीनरी फॉर कैश, ये कंप्लीट एंट्री हो गई आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी तरीका इस अलग एंट्री करके बताऊंगा, अलग अलग कौन कौन सी एंट्री होती है और किस तरीके से होगी। थैंक यू।